रिसेंटली मुंबई में हॉरर फिल्म डर एट द मॉल का ट्रेलर लॉन्च किया गया और इस मौके पर फिल्म की स्टार कास्ट भी नजर आई। वेल जिमी जो कि इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे, आइए उनसे जानते हैं कि इस फिल्म की यूएसपी क्या है और इस फिल्म में क्या नया एलिमेंट है। हॉरर फिल्म में एलिमेंट तो सबसे ज्यादा डर का ही होता है। आई थिंक जो लोग हॉरर फिल्मों के फैन होते हैं वो इंजॉय करते हैं कि अगर उसमें स्पाइन चिलिंग मोमेंट्स जो होते हैं वो हो और डर लगे और जो मोमेंट्स का जो बिल्डअप होता है किसी भी सीक्वेंस का उसमें डर लगे उन्हें। उसके अलावा कहानी भी लोग अच्छी कहानी एक्सपेक्ट करते हैं और इस फिल्म में आई थिंक यही सबसे खास चीज़ है कि इन्होंने एक नए तरीके से हॉरर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, थोड़ा लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश की है। और स्क्रिप्ट भी ऑब्वियसली डिफरेंट है क्योंकि इट्स सेट इन अ मॉल, सो इट इज डर एट द मॉल। आइए जिमी से जानते हैं कि फिल्म में एक्टर के लिए डर का एलिमेंट करना कितना डिफिकल्ट होता है। देखिए, मैंने तो इतनी ज़्यादा हॉरर फिल्मों में काम नहीं किया सर, तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, बट सारा कुछ जो है वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। वेल जिमी, आप हॉरर फिल्म में नजर आने वाले हैं, तो क्या आपको भूतों से डर लगता है और आप इन पर कितना विश्वास करते हैं? मैं जरूर, होते तो हैं, वो तो है, लेकिन हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं। जिमी का कहना है कि इस फिल्म में ना सिर्फ हॉरर बल्कि एक्शन और एडवेंचर का भी एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो पवन की आई थिंक सेंसिबिलिटी बहुत सही है थ्रिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये फिल्म हॉरर के अलावा इसमें एक थ्रिल एलिमेंट भी होने वाला है, इसमें एक एडवेंचर भी होने वाला है। इट्स नॉट कि बस वो चल रहा है, इसमें आपको जो एक्शन एडवेंचर वो सारा कुछ जो दिखने वाला है वो भी काफ़ी उसका भी मजा लेने वाले हैं। अब तो ये फिल्म ही देख मालूम होगा कि जिमी दर्शकों को डराने में कितने कामयाब रहते हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क से ज्योत्सना पाटनी, डेन नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।